सर सर नहीं नहीं मैंने आपसे कहा इन चारों का प्रोटेक्टर भी मौजूद है। नहीं नहीं मैं प्रोटेक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि अगर आप मेरी बातों को तवज्जो और गौर से सुने तो उनमें हकीकत आमेजी ज्यादा है बिल्कुल, और बहुत एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ मैं बात कर रहा हूँ। डॉगमेटिक अप्रोच के साथ बात करना वो बड़ा एक सुपर प्लस। मैं तो सर सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए होंगे, क्या बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो रही है, जरा सा थोड़ा सा लोगों को हंसने का मौका भी देना चाहिए। हंसने का मौका तो अपनी जगह, लेकिन है तो लम्हा फिक्रिया। बात तो ये है कि जाहिर सी बात है हम ठीक है मजाक में बात कर लेते हैं, कुछ छेड़छाड़ की बात हो जाती है, लेकिन वो तो दूर नहीं हो सकती सर, अब तो जो हकीकत है। लेकिन कुछ चीज़ों में उनको उनकी प्रिकॉशंस की जा सकती है, बेहतरी लाई जा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस की जा सकती हैं, उनको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। अब जैसे रजा भाई यहाँ पे मौजूद हैं तो हम ये कहते हैं कि जो लड़कियाँ वाकई जूडो कराटे सीखी हुई होती हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है आई वॉज़ वेरी यंग, हम लोग ग्राउंड में जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, ये वो, तो सामने एक लड़कियों का कॉलेज था, तो मैंने बकायदा वहाँ पे एक लड़की से दो लड़कों को पिटते हुए देखा। और वो उन्होंने जिस जिस जात की उन्होंने किक्स चलाई हैं, तो हम तो अपना मैच छोड़ के हम उनको देख रहे थे, यार ये तो कोई जैकी चिन की औलाद है, ये कौन है भाई, ये किस किस्म की लड़की है। तो वाकई उसके बाद मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे लड़के इकट्ठे भी हुए हों या वहाँ पे कोई इस तरह की चीज हुई हो। उसके बाद आप मिश्रा बता दीजिए हैं सर, हम तो मैच खेलने जाते थे, हम लोगों ने तो क्रिकेट खेली है, उसके अलावा मस्तियां तो खैर अपनी जगह। अच्छा एक बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी बात की थी कि कॉलेजेस के बाहर लड़के हैं, या तो मैं बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी बात आगे पहुँचा सकते हैं। बहुत सारी गर्ल्स का ये इशू होता है, जैसे वो तो आपने बात कर दी, घर से निकलेंगे तो पहले तो माँ कहेगी कि बेटा आप भाई का इंतज़ार करो या बाप का इंतज़ार करो, वरना कोई मनचला पीछे आएगा और कहेगा कि हमें भी साथ ले चलो वट एवर। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है, अगर कोई इतनी मनचले के लिए भाई के लिए। और दूसरी बात यह है कि ठीक है आप स्टॉप तक पहुंच गए, आपने बसेस में जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत सारे लोग जाते हैं, तो गर्ल्स के लिए स्पेशली एक मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ फिजिकली वो यानी डर रही होती हैं बल्कि साइकोलॉजिकली भी उन पर बहुत इफ़ेक्ट होता है, कि स्पेशली जो गर्ल्स जो वीमेन कंपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर मर्द हजरात होते हैं, और सुबह के वक्त तो लाजमी बहुत सारे भरे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ट्रैफिक के हवाले से इसलिए बात करना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब वो जाती हैं तो वहाँ पर पूरा वो भरा हुआ होता है, मर्द होते हैं, कॉलेजेस की गर्ल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ की हैं, वर्किंग वीमेन है, उन्हें रोज़ जाना है, लेकिन वो जहाँ कर अब वहाँ पर बैठ रही हैं तो या तो जेस्चर से वो आपको हैरेसमेंट हो रही है, ठीक है, टचिंग right. या फिर उसमें क्या होता है कि आप साइकोलॉजिकली भी अगर आप वर्क प्लेस पर जा रही हैं, आप कहीं काम करने जा रही हैं, तो आप मेंटली वहां जाकर भी आप लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं होते हैं, आपकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, वो एक डर और खौफ दिल में होता है। तो इस चीज को आई थिंक कि जैसे इस पे होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट कह दें कि नहीं अब मर्द जो है वो इन कंपार्टमेंट्स में नहीं होंगे, कंपार्टमेंट में बिल्कुल उस पर रिस्ट्रिक्शन है, आप बस के अंदर तो बिल्कुल, और उसको हम कार्रवाई करते हैं बाकायदा, ऐसी हेवी इसके ऊपर चालान होते हैं और सज़ा देते हैं बाज़ औक़ात बसेस के ओनर्स को हम बुला के, और उनको वाज़े तौर पे बताते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और ये होता है रिपीटेडली। अच्छा दूसरी चीज़ कि जहाँ बस स्टॉप की जो बात है उसके लिए कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा, ये एक सिर्फ कोई इदारा नहीं है, ये पुलिस पब्लिक कम्युनिटी जब तक वो नहीं होगी इंटरेक्शन बढ़ेगी नहीं। एक महल्ले के लोगों के लिए बड़ा आसान है कि उसके गिर्द जो बस स्टॉप हैं उनमें कुछ कम्युनिटी के अफराद जिम्मा उठाएं और पुलिस के साथ इंटरेक्शन करके कि इसका बार आसानी से कलाकामा किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें ये कितनी एक अहम बात है, ये वही वाली बात है कि हम खुद से कुछ चीज़ें शुरू करें और उसके बाद ऑटोमेटिकली अब फिज़िकली जो हकीकतन हम बात करते हैं कराची में या लाहौर में जितनी नफरी होनी चाहिए एक्चुअली वो वाकई कम है, इसमें कोई शक नहीं है, हम इस बात को कमर साहब भी मानते हैं, और ये बड़ा मसला है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये जो ख्वातीन अगर रात को रिपीट में भी देखें या वो लड़कियाँ जो रिपीट में देख रही होंगी, अगर आप उस बस में सफ़र कर रही हैं जिसमें आपको लगता है
कि मर्द हजरात आपके कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं या अंदर आ जाते हैं, तो प्लीज़ एक काम करें, उस बस का नंबर नोट करें। शिकायत सेल का नंबर हम अभी कमर साहब से 915 खुली है, कॉल कीजिए, उस बस का नंबर दीजिए और बेशक अपने भाई के नाम से, बिल्कुल किसी के, हमें नाम से वो नहीं होता, किसी के भी नाम से आप वो नंबर दें। हम कंप्लेनेंट को इतना हमारी सेकेंडरी हैसियत है उसकी, जिसकी शिकायत आती है उसको हम जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छा। और प्रॉम्प्ट रिस्पांस हमारा होता है, इमीडिएटली जैसे ही वो फाइल हमारे सामने आती है और उसके ऊपर फौरी तौर पे नोट। अच्छा, मैं मजे की बात यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ, इत्तेफाक से 915 से मुझे 15 याद आ गई। 15 पे कुछ दोस्त हमारे काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि तुम लोग सारी सारी रात बैठे रहते हो, क्या होता है? कहता कुछ नहीं यार, लड़कियाँ फ़ोन करके गाने सुनाती हैं। छेड़ना जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। गुजर नहीं सकता वहाँ से, कोई वहाँ से हिम्मत नहीं करता कि वहाँ से गुजर जाए, इतने कमेंट्स पास हो रहे हैं, जिसको मौका मिले टीजिंग जो है वो। और आप अगर, अच्छा ओएस, एक छोटी सी, एक मिनट एक मिनट, कान से आवाज नहीं आती ना मुंह से। अगर आप कॉलेज स्कूल्स के बाहर खड़े हुए हैं लड़के, तो वो मतलब एक पागल तो नहीं, उनको भी कभी ना कभी किसी ना किसी को पॉजिटिव। वो तो प्राइवेट सेटिंग है ना। नहीं देखो, विद कंसेंट, यहाँ जो मौजूद मेरे ख्याल में वही है कि विद कंसेंट तो बात अलग है, विद कंसेंट तो बात अलग है, लेकिन छेड़ना छाड़ना, हाँ वो ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं बनता। किसी को कभी भी वहाँ से कुछ हुआ ही नहीं हो, मतलब किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिली हो, तो कोई भी नहीं जाए, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव रिस्पांस आता है वहाँ से, मतलब तभी जाके लड़के खड़े होते नहीं। और बहुत सारी जगहों पे हैं वहाँ पे, मतलब लड़कियों के पास से आप नहीं गुजर सकते, वो हूटिंग करना शुरू हो जाती है, आप DHS। अच्छा हाँ, चले इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, एक कॉलर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा भी होता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा भी, मैं हमना बात कर रही हूँ कराची से। जी हमना, मुझे ना एक बात पूछनी थी। पूछो। क्या कहते हैं, हम पुलिस वालों के लिए क्या करें, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि मैं कॉलेज जाती आती हूँ तो एक पुलिस वाले हैं वो बस से ही डरते हैं, बल्कि वो लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं और वो बिना किराए के एक तो जाते हैं, ऊपर से गोलियों में गोलियाँ मारते हैं। एक दफ़ा मुझे बोतल पकड़ाई तो उन्होंने हाथ भी टच किया और मतलब बहुत बदतमीजी भी की, ऐसे उनके लिए क्या करना चाहिए? कि आपने शिकायत की थी उनकी? उनकी नजरें भी इस तरह से होती हैं। और क्या बोला आपने, शिकायत की थी उनकी कहीं? नहीं, हम लोग बस में थे तो मैंने उस दिन से कॉलेज आना जाना कम कर दिया और पहले ही स्टॉप से पहले उतर गई। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, कोई भी पुलिस वाला हो ना, ये जरूर मौजूद होता है, ठीक है? ठीक है ना, नाम लिखा हुआ होता है, आप उनकी शिकायत तो करो। शिकायत करें, बल्कि आपको बस वाले और कंडक्टर से भी आपको कहना चाहिए था, अगर रिपीटेडली वो चढ़ना है, एक ही पॉइंट्स चढ़ना है, तो फिर तो उनको ट्रेस करना बहुत आसान है। लेकिन बेटा बात ये है कि हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो वो बड़ा मशहूर शेर है कि उर्फी बबज में गैर निको नामी है तुरफ्त, नामों से सत कबीला जय खामी है तुरफ्त, एक आदमी बुरा आदमी जो है पूरे कबीले को बदनाम कर देता है। तो ये उन्होंने काम तो ऐसा किया, एक जिम्मेदार शोबे में वो हैं और जो लोगों की मदद करने के लिए है, और इस तरह से नहीं करना चाहिए था उनको, बल्कि उन्हें तो और लोगों को कानून का पाबंद करना चाहिए। लेकिन इक्का दुक्का बुरे लोग तो हर शोबे में होते, तो वो पूरे पुलिस वाले इस तरह से, आपने भी सिर्फ एक ही की शिकायत की। हाँ, ऑफ कोर्स, तो कोई तो नहीं, पॉइंट आउट अगर उसको कर लिया जाए, जगह क्या थी एटलीस्ट यही, अगर रिपीटेडली वो यही कर रहे हैं तो उनको फिर ट्रेस करना और पकड़ना, उनकी शिकायत भी आप लोग की 915 क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ओके, बिल्कुल आप शिकायत करें, एटलीस्ट देखें, जब आप, हम लोग जब किसी चीज़ की कोई शिकायत करते हैं वो बात आगे जाती है और उस पर कोई ना कोई असर ज़रूर होता है। हम डर जाते हैं कि नहीं यार, अगर हमने किसी पुलिस वाले की शिकायत कर दी या हमने इस बस वाले की शिकायत कर दी या हमने कुछ ऐसा कर दिया तो उसका रिटर्न क्या होगा, पता नहीं हमारा यहाँ रहना मुश्किल ना हो जाए, ये ना हो जाए। सो उसकी भी प्रिकॉशंस जो हैं वो भी मौजूद हैं। सो लोग वैसे कहते हैं लोग कि पुलिस वाले की दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी। देखिए वो भी एक, मैं समझता हूँ, बड़ा बायस वर्जन है। बात यह है कि ये तो हर एक के साथ है, कभी आप जब तक मेरे दोस्त हैं जब तक तो आप मेरे साथ अच्छे हैं, आप नहीं हैं पुलिस में, लेकिन जब आप बिगड़ जाएंगे, सारी बातें, वैसा आपका रवैया नहीं।